हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर जियो का मोबाइल है और ये स्पीकर, तो मोबाइल को स्पीकर से कैसे आप कनेक्ट करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन कर लेना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्टेड एंड डिवाइस। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा एंड आपको ऑप्शन मिला है पेयर न्यू डिवाइस। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। और इस पर क्लिक करना है और इसका नाम जो यहाँ पे आ चुका है इस पर क्लिक कर देंगे आप। अब पेयर बन, यहाँ पर पेयर पे क्लिक करेंगे और ये जो है पेयर बन चुका है। तो यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है, तो कनेक्टेड हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और कुछ भी आप ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे या वीडियो चलाएंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ से आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो देखिए साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉप करेंगे और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कनेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर जो साउंड आपको देख सुनने को मिल रहा है यहाँ से आप साउंड सुन सकते हैं। कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। और आपको डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको नीचे की ओर नोटिफिकेशन पैनल नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे। ब्लूटूथ का ऑप्शन इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, आप इसके सेटिंग पर शॉर्टकट तरीके से पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इसके सेटिंग पे क्लिक करना है, ये है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपको डिसकनेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप बंद कर देंगे। इसको फॉरगेट करना है, फॉरगेट भी कर सकते हैं, कनेक्टेड है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कनेक्ट, यहाँ पर डिसकनेक्टेड हो चुका है, कनेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर देंगे तो कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्टेड हो चुका है। अगर आपको फॉरगेट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। और उसको हटाना इस पर क्लिक कर देंगे, बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आप बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद हो चुका है। तो ये था फ्रेंड सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।